तो वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती देश भर में जगह जगह उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई और कई कार्यक्रम भी इस बाबत आयोजित किए गए। सभी ने बाबा साहेब को नमन कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने संसद में पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि हर साल 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।